चलिए बढ़ते खबरों में आगे। पूरे देश में आज से पौधारोपण महोत्सव मनाया जा रहा है। इसको लेकर इटावा में भी 48 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य लेकर आज इटावा के लॉयन सफारी के सामने नगर वन में 2.5 लाख वृक्षारोपण लगाकर इसकी शुरुआत की गई। इस मौके पर इटावा के जिलाधिकारी अवनीश कुमार राय ने इंडिया न्यूज रिपोर्टर अमित मिश्रा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है आइए आपको दिखाते हैं। मनाया जा रहा है इटावा में भी इसकी शुरुआत हुई है और किस तरह की प्लानिंग के साथ हुआ जा रहा है, मेरे साथ जिलाधिकारी इटावा अवनीश कुमार राय है। हम इनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं वन महोत्सव के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटीज का सेक्टर रहा है ये, तो जनपद में और पूरे प्रदेश में ट्री कवर बढ़ाने के लिए, फोलियज बढ़ाने के लिए हर वर्ष ये अभियान चलता है। इस वर्ष भी उसी क्रम में ये अभियान है। जनपद में लगभग 65 लाख से कुछ ऊपर वृक्ष लगाने का टारगेट हम लोगों को मिला है, जिसका एडवांस सॉइल वर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज इस प्रोग्राम से सिंबॉलिकली इसकी शुरुआत हुई है। इस साइट पर 50 हेक्टेयर में लगभग 2.25 लाख पौधा लगाया जा रहा है और आज के दिन में लगभग 48 लाख प्लांटेशन जो है जनपद में कराया जाएगा। हमें उम्मीद है कि हम इससे अधिक ही कर पाएंगे। इसके अलावा जनपद में नगर वन, शक्ति वन, बाल वन, खाद्य वन, इस प्रकार से अलग अलग थीम्स पर थीमेटिक प्लांटेशन भी हो रहा है। यमुना नदी के किनारे भी पैच डेवलप करने का प्रयास है, उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ा पैच जो है वो ग्रीनरी का डेवलप करें। तो इस प्रकार से जो हमारा लक्ष्य है कि लगभग 33% का फोलियज पूरे प्रदेश और जनपद में होना चाहिए, उसी को अचीव करने के लिए हर वर्ष कवायद होती है और इस बार भी उसी क्रम में प्रयास। ये नगर वन में शुरुआत आज से हुई है, हर साल इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं, तो इनको पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, इनके बचाव को लेकर किस तरह से तैयारी की जा रही है? जैसे पिछले वर्षों के पेड़ सूखते रहे हैं, तो किस तरह ट्री गार्ड या किस तरह की व्यवस्था? देखिए, ये कई बार ये विषय आया और आई थिंक शासन ने इस पर FRI के माध्यम से एक रिसर्च भी कराया है। पिछले वर्षों का जो क्लेम्ड हम लोगों का सर्वाइवल है वो 80-90% के आसपास है। इस बार भी हम यही प्रयास करेंगे कि 90% के आसपास हमारे पेड़ों की सर्वाइवल हो। उसमें वृक्ष सिलेक्शन से लेकर के टाइप ऑफ ट्रीज जो लगाने से जिनका सर्वाइवल रेट अच्छा होता हो, इसके अलावा मृदा के अनुसार से वृक्षारोपण, ट्री गार्ड्स लगाना, बैरिकेडिंग करना इत्यादि की व्यवस्था है। मनरेगा के अंतर्गत हर 200 वृक्षों पर एक कार्मिक एडिशनल देने की। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।